वो इतनी आसानी से, अगर लोग सोचते हैं ना कि इतनी आसानी से हमारी लाइफ कट जाएगी, तो इतनी आसान लाइफ होने वाली नहीं है। और इस लाइफ को जीने के लिए हमारी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल होते हैं, कुछ हमारी लाइफ के गोल होने चाहिए, और इन सभी चीज़ों को जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, एक वर्ड निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रगल। और जब हम स्ट्रगल की बात करते हैं तो यहाँ पे दोनों चीज़ें आती हैं। कभी कभी उस स्ट्रगल के बीच में हमारे आप में कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, दोनों चीज़ें हमारी साथ साथ चलती रहती हैं। और जब हमारे आसपास कहीं स्ट्रगल होता है तो लगता है कि दोनों चीज़ें हमारी बैलेंस में चल रही होती है। कभी किसी के घर में आपने देखा होगा कि सुख की अनुभूति होती है, कहीं दुख की अनुभूति होती है। तो हमें ओवरऑल अपने आप को जब हम लोग बैलेंस करके चलते हैं तो ये अपने आप में बहुत अच्छा चलने का तरीका होता है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो इस तरीके से हैं कि सबसे पहली चीज़ तो हमें किसी भी चीज़ से पहले ही हार नहीं माननी होती है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊँ कि जो हमारी मेंटेलिटी है ना, इस पर सब कुछ डिपेंड करता है। एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, जब हम लोग सुबह सुबह सो के उठते हैं तो देखते क्या है कि आज मेरे को बहुत फीवर है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या है, वो फीवर तो है, समटाइम्स कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी भी चीज़ को हम लोग टालने के लिए अपने आप को ऐसा फील कराते हैं कि यार आज ये काम करने का मन नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है ना, उसमें हम लोगों को अपने आप से देखना होगा कि हमारी मेंटेलिटी क्या करती है। जब हम लोग सुबह उठ के सोच लेते हैं आज तो फीवर है, आज बाहर का मौसम थोड़ा गर्म है, और ये अपने आप से मान लेते हैं कि आज फीवर है। जनरली मैं आपको एग्जैक्टली थिंग्स बता रहा हूँ कि ये हमारी मेंटेलिटी होती है कि फीवर ऑटोमेटिक हमें आ जाता है। तो ये चीजें कुछ होती हैं जो हमारी मेंटेलिटी के अकॉर्डिंग चलती हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, लोगों ने बोला है, हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जिस चीज को हम लोग ठान लेते हैं ना वो जरूर करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि हमें अपने दिमाग को, हमारे मेंटल को ऐसा सेट करना होगा, ऐसे तरीके से उसको तैयार करना होगा कि वो जो भी काम हम लोग करने जाते हैं, अगर हमारा मेंटल फिट हो गया तो हर चीज धीरे 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 वो पूरी हो जाती है। तो इसी तरह है कि हमें अपने मेंटेलिटी को ऐसे सेट करना है कि सुख और दुख दोनों को बैलेंस करके चले। और अगर हम लोगों ने इसको बैलेंस करना सीख लिया ना, तो सबसे पहले आप ये चीज देखेंगे कि हमारी लाइफ बहुत स्मूथ तरीके से चलने लगेगी। और कहते क्या है कि दुख में ना ज्यादा दुखी होना, सुख में ना ज्यादा सुखी होना, अगर ये चीजें भी हमारी तरफ से एक एडिटिव्स के रूप में हम लोग ले लेते हैं तो एक वे होगा जहां पे हम अपनी लाइफ को बहुत स्मूथली तरीके से चला सकते हैं। तो दोस्तों सबसे अच्छी बात यही है कि हमें लाइफ को जीना है और अच्छे तरीके से जीना है, तो सबसे अच्छी चीज यही है कि दोनों का बैलेंस एक इक्वालिटी के साथ होना चाहिए। देखना आपकी लाइफ हमेशा एकदम एक सही मोड़ पे, एक सही जगह पे आके रुक जाएगी। और धीरे धीरे होता क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि अब यहाँ से क्या होगा, और फिर जब हम लोग अपना मेंटल सेट करते हैं तो आगे हम लोग सक्सेस की तरफ फिर आगे बढ़ जाते हैं। धन्यवाद।